आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। देश के पहले CDS बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ा बयान जारी किया है, जहां इंडियन फोर्स ने हेलीकॉप्टर क्रैश मामले को अपनी पहली जांच रिपोर्ट में साझा की है। रिपोर्ट में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारणों से शुरुआती पर्दा हटाते हुए हादसे में किसी भी तरह की टेक्निकल फॉल्ट, साजिश या लापरवाही नहीं थी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। 8 दिसंबर को तमिलनाडु में CDS जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों की शुरुआती जांच रिपोर्ट तीनों सेनाओं की संयुक्त जांच यानी ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने पेश कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में किसी तरह की कोई चूक, साजिश या लापरवाही नहीं थी, बल्कि स्थानीय मौसम में अचानक बदलाव और बादलों के आ जाने की वजह से पायलट गलती से पहाड़ियों के बीच पहुंच गया था। एयरफोर्स ने बताया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की शुरुआती जांच में किसी तरह की कोई लापरवाही, मशीनरी से छेड़छाड़ या चोपर में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका नहीं मिली है। वहीं हादसे के दौरान चश्मदीद ने बताया था कि हेलीकॉप्टर तेजी से पेड़ों पर गिरा था, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। एक और चश्मदीद की माने तो उसने जलते हुए लोगों को गिरते देखा था। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कन्नूर में क्रैश हो गया था। हादसे में जनरल रावत और उसकी पत्नी मधुलिका के साथ 12 और लोगों की मौत हो गई थी। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। We'll be right back.